गोरखपुर के कौड़ीराम क्षेत्र पूर्व के जिला पंचायत सदस्य निर्दलीय राष्ट्रीय स्वर्णकार संगठन के संरक्षक विनय वर्मा ने 6 फरवरी को अपने समर्थकों समेत भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल में केंद्रीय मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी में शामिल होने के साथ ही विनय वर्मा के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा अब हकीकत में बदल गया है और गुरुवार को अपना दल ने विधानसभा चुनाव 2022 में सोहरतगढ़ 302 सिद्धार्थनगर से विनय वर्मा को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। मालूम हो कि विनय वर्मा गोरखपुर से जिला पंचायत में अपनी धमाकेदार एंट्री से वह चुनाव के पहले ही सुर्खियों में आ गए थे। भाजपा के गढ़ में निर्दल चुनाव लड़कर जीतने के बाद वह और भी चर्चा में आ गए। उस समय तो भाजपा उनको जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ाने की इच्छुक थी, पर कुछ वजहों से ऐसा नहीं हो सका। बावजूद इसके विनय अपने कार्य व्यवहार से लगातार चर्चा में बने रहे। वह स्वर्णकार समाज से ताल्लुक रखते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समाज की आबादी करीब 6% है। आबादी के अनुसार परंपरागत रूप से भाजपा का वोटर रहे इस समाज का सत्ता में भागीदारी नहीं के बराबर है। 6 फरवरी को अपने समर्थकों समेत भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल में केंद्रीय मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी में शामिल हुए तो अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने उनसे पूछा कि क्या विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ उनकी नहीं उनके पूरे स्वर्णकार समाज की चाहत है। इस बार विधानसभा चुनाव में स्वर्णकार समाज के विनय वर्मा को टिकट देकर विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व तय किया जाए ताकि सदन में भी हमारे हक हुकूक की बात कोई पूरी दमदारी से रख सके, जिसके लिए स्वर्णकार समाज से जुड़े नगर पंचायतों पालिकाओं के अध्यक्ष चेयरमैन विभिन्न जिलों के संगठन के पदाधिकारी कई सामाजिक और लगभग हर जिले के स्वर्णकार संगठनों ने विधानसभा लड़ने की मांग को लेकर पत्र भी लिखा है। विनय वर्मा के जोश और जुनून तथा उनके द्वारा किए गए समाज सेवा स्वर्णकार समाज को एकजुट करने के प्रयासों से प्रभावित होकर अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल के निर्देश पर गुरुवार को अपना दल ने विधानसभा चुनाव 2022 में सोहरतगढ़ 302 सिद्धार्थनगर से विनय वर्मा को उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दिया है। मालूम हो कि विनय वर्मा गोरखपुर स्थित बांसगांव तहसील के ऐतिहासिक गांव मलाओं के रहने वाले हैं। वह कौड़ीराम क्षेत्र से 2015 में निर्दल जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल उनके कार्य व्यवहार के नाते लगातार चर्चा में रहा। कोरोना काल के दौरान भी उनके द्वारा गांव-गांव मदद पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत सदस्य चुनकर सरकार भी इनके काम को सराह चुकी है। समाज सेवा करते हुए उनको 2 दशक से अधिक हो गए हैं। इधर 1 दशक सेवा स्वर्णकार समाज को जोड़ने उसे जागरूक करने के काम में तन मन और धन से जुटे हैं। उनके इस जोश जज्बे और जुनून का उनका समाज भी कायल है। यही वजह है कि वह दिल से चाहता है कि विनय सदन में जाकर उनकी आवाज़ बने।